चयनित शिक्षकों और बेरोजगार युवाओं के साथ राजधानी भोपाल में हुए दुर्व्यवहार को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पूरी घटना की निंदा की है। पीसी शर्मा ने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का तब की कमलनाथ सरकार में चयन हो गया था और उनके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन भी हो गया है, लेकिन सरकार इन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रही है। पूर्व मंत्री शर्मा ने कहा कि जिस तरह से दुर्व्यवहार करते हुए चयनित शिक्षकों और बेरोजगारों के साथ मारपीट की गई है, क्या यही मुख्यमंत्री का बेटी बचाओ अभियान है? कि जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये चयनित शिक्षक कमलनाथ जी की सरकार में चयन हो चुका था इनका, और चयन होने के बाद सत्यापन भी हो गया था। केवल चिट्ठी देना है कि आप ज्वाइन करो, ये सरकार चयनित शिक्षक को पत्र नहीं दे पा रही है। और कल जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह से उनके साथ मारपीट हुई, और एक जो आया समाचार पत्रों में, एक बहन सड़क पर लेट के साष्टांग दंडवत कर रही है, कि मुख्यमंत्री का बेटी बचाओ अभियान है, तो राखी का भी अपमान कर रहे हैं। और जिस तरह से बेरोजगारों को मारा गया कल लाठी से, और जो लड़कियां आई थी उनको मारा गया, एक टीआई उसको घसीट कर मार रही है, ये तालिबानी एक्ट है, तालिबान में भी हो रहा है। तो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वो स्कूल जा नहीं सकती, वो पढ़ने जा नहीं सकती, वही स्थिति मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने कर दी है। ये तालिबानी एक्ट है सरकार का, जितनी निंदा की जाए उतनी कम।